खाना खरीदने के लिए आए हैं मेरी बैग के लिए, और मुझे तो यहाँ का खाना बहुत ही पसंद है, किंतु मम्मी और डैडी ने खिलाता, किंतु मुझे इस रेस्टोरेंट के जूस जूस के हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय हिंदी ब्लॉग चैनल। आज तो थोड़ा सा लेट करके सुबह हुआ है, क्योंकि कल बहुत ही लेट करके गुड नाइट हुआ था, इसीलिए। आकुल भी नहीं है घर पे, और अंकुर का तबीयत बहुत ही ख़राब है, वो सो रहा है, इसीलिए मैं आ गई हूँ किचन पे। पता ही है किचन पे ही आना है, क्योंकि बनाना है चाय। चाय के बर्तन तो यूं ही फैला हुआ है, यानी गंदा हुआ है। कल चाय पी थी, उसके बाद इस बर्तन को क्लीन नहीं किया। चलो कोई दूसरे बर्तन ले लेते हैं। मेरी सुबह का पहला काम चाय या कॉफी बनाना। आज तो बहुत ही मन कर रही थी कि दूध कॉफ़ी पीने की। यूजुअली हम लोग सुबह का पहला चाय या कॉफ़ी दूध से नहीं पीते, बट आज का जो कॉफ़ी है वो दूध कॉफ़ी है। आज तो कोई कुकिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि कल मैं सब कुछ करके रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कल दोस्त के वहाँ पर जाना था, तो आज लेट ही सुबह होगा तो कुकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं कल सब कुछ करके रखी थी। बहुत कुछ है घर में, फिश टिश सब्ज़ी वगैरह बहुत कुछ है। क्या हुआ? हाँ, ओहो, इसका हेयर कट हुआ है, देखो
ब्यूटीफुल लग रहे हैं, पूरा हैंडसम। मुझे लग रहा है रसगुल्ला। रसगुल्ला? हाँ। पता है आर्मी लोग जो होता है ऐसे ही हेयर कट करता है। नहीं नहीं, तुमको नहीं देखा ना? उस टाइम दिखाई थी ना, कहा? इसलिए बोली थी कि उस दिन चलो स्कूल चलो, क्योंकि इसका जो स्कूल है बैरकपुर में पूरा आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर ही है। सो वहाँ पर बहुत आर्मी को दिखने मिल जाता है, तो तुम जाओगे तो तुम दिख पाओगे कि उनका बाल कैसा होता है। बैठो। मैं तो बड़ा होकर आर्मी। सो फ्रेंड्स, कुकिंग तो बिल्कुल नहीं है, कुछ कपड़ा वकड़ा कपड़ा भिगो के रखे है, उसको वॉश करूँगी, उसको वॉश करके शावर ले लूँगी, उसके बाद लंच एंड पूजा लंच। और सोच रही हूँ कहीं पर जाऊँ, सोच रही हूँ, अभी भी सोची नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है मेरे एक दोस्त के संग। मेरे एक दोस्त के संग मैं जिनके पास मेकअप सीखने के लिए जा रही हूँ ना, उसके संग एक जगह जाना है। क्यों? देखते हैं। अब तो सब काम कंप्लीट, नहाना पूजा देना सब काम, और वहाँ पर देखो बिठाई खाना को गर्म करने के लिए, और सब कुछ रेडी कर लिया। अंकुर भी आ जाएगा खाना खाने के लिए। और इसको देखो, ये आज पकड़े हैं हम लोगों को, इसको क्विस्ट मॉल जाना है। बोल तो नहीं सकता क्वेस्ट मॉल, क्विस्ट मॉल, फिर भी इसको जाना है। सो अब हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कहाँ पर जाना है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग आए हैं कैथेड्रल चर्च। ये देखो कैथेड्रल आए हम लोग। ये देखो हम लोग निवेदा के साथ कैथेड्रल चर्च आए हैं संडे को एंजॉय करने के लिए। आने वाले हैं, थोड़ा भीड़ बढ़ गया है। हेलो, अभी तो दिसंबर मंथ नहीं आया, हम लोग सोचे थे कि आज कैथेड्रल जाएंगे तो थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन कितना भीड़ है आकर देख रही हो। आज हम लोग आए हैं बच्चों लोगों को रख के, नहीं अगले दिन बच्चे को लेके आएंगे। आज हम लोग फ्रेंड्स सब घूमने आए हैं। हाँ, अब हम लोग जाएंगे नंदन, वहाँ जाके भाड़ में चाय पीना है। चलो नंदन जाके मिलते हैं। ये है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, यहाँ पर आज हो रहा है आर्ट एग्जीबिशन। यहाँ पर हो रहा है एक छोटा सा प्रोग्राम, बहुत दिन बाद देख रही हूँ प्रोग्राम, और बहुत अच्छी लगी ये प्रोग्राम देख के ना, मन पूरा अच्छा अच्छा हो गया। ये एग्जीबिशन पे भी ना हम लोग बहुत दिन बाद आई हूँ, पहले तो बहुत आती थी लेकिन अब हो नहीं पाता। पूरा एग्जीबिशन पे सबसे अच्छी लगी ये वाराणसी का तस्वीर। मेरी बस चलती ना मैं घर लेकर आ जाती। आज आई हूँ नंदन पे, बहुत साल बाद हम नंदन पे आई हूँ, बहुत साल बाद ना, 2 साल तो हो गए, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तो हो ही गए हैं। पता है एक टाइम ऐसा था ना, ये नंदन में बैठे बैठे घंटों कट गया, घंटों। तो आज यहाँ पर आई तो बहुत ही मिस कर रही हूँ उस टाइम और वो फ्रेंड्स लोगों को, बहुत ही मज़ा होता था तब।
आज आई हूँ रविंद्र सदन के पास। ये देखो बहुत दिन बाद आई हूँ रविंद्र सदन। और कोरोना के बीच तो कोई भी प्रोग्राम हुआ नहीं कि मैं नहीं कर पाई रविंद्र सदन पे, तो आज आकर बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ख़राब भी लग रही है कि बहुत दिन बाद आई हूँ। सब कुछ तो पहले जैसा ही है, ठीक ठाक, सिर्फ चेंज हो गए तो हम लोग। आज हम लोग आए आए हैं अपना ढाबा और पापड़ी का बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि ये पूरा पूरी वेज है। इसके ऊपर से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि वेज है और आज तो संडे है। शो मैया को देखो, हेलो, देखो, वी आर एंजॉयिंग अ इवनिंग ऑन अ संडे इवनिंग। चार चाय, फोर पीपल, यस सर, यस सर, चलो पहले हम चाय पीते हैं। आकुल को देखो, कहीं पर भी ये ठीक से नहीं रह पाता। अब तो हम ये कबा बंगाल खाना खरीदने के लिए आए हैं मेरी बैग के लिए, और मुझे तो यहाँ का खाना बहुत ही पसंद है, किंतु मम्मी और डैडी ने खिलाता, किंतु मुझे इस इसके लिए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता ही है। जूसेस नहीं, वो स्लश है। दोनों को देखो, एक संग मजे में ही है। हाय फ्रेंड्स, आज तो बहुत घूम के आई हूँ और बहुत टायर्ड लग रही है। सो आज का वीडियो मैं यही पर एंड कर रही हूँ। फिर मिलूंगी कल एक नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जरूर करना। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।